नहीं मंगाया था। लेफ्ट राइट मारे कौन सा दूसरी बार नहीं। हाँ यार शलवार कमीज की दुकान थी ना यहाँ, वो थी ना दुकान रेडीमेड कपड़े की। सारी सारी कोई अच्छा। अरे तुमको भी देखना था ना, थोड़ा साइड हो गया देखना है कौन सा देख। हाँ ये देखो, ये छोटा लिया जैन का, एक साइज छोटा बोले आ जाए, वो ज़्यादा बड़ा था ना जैन को बताना। मुझे तो वो वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ले लो वाइट ही लेते भाई, वही वाइट में ही बता दो। अच्छा साइज गड़बड़ हो तो ला सकते हो ना। हाँ चेंज हो जाएगा ना। एक साइज छोटी दे देना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए आज के हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मार्केट के साथ में। तो यहाँ पर अभी है ना मैं हस्बैंड के साथ में आ गई थी मलाड मार्केट, बिकॉज़ मुझे ना बच्चों की शॉपिंग करनी थी शादियों के लिए, और उसी के बाद में उन दोनों के बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड आज फ्री थे, घर में थे, तो मैंने सोचा उनके साथ में चली जाती हूँ। और जैन की भी स्कूल की आज छुट्टी थी, और ज़ोहिब को भी मैंने ना अम्मी के यहाँ छोड़ दी थी। जैन और ज़ोहिब दोनों को मैंने अम्मी के यहाँ छोड़ दी थी, और मैं और हस्बैंड सिर्फ आए थे यहाँ पर क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा धूप थी। हम खुद बाइक से आना अवॉइड करें, हम बाय ऑटो आए थे, इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पर अभी ना हम स्टार्टिंग में बैग देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया उसका मटीरियल। प्राइस तो ना रिजनेबल था, 180 समथिंग था, लेकिन है ना मटेरियल इतना वो नहीं लगा। और यहाँ पर अभी हम आ गए तो और भी देखने, लेकिन है ना मैंने हस्बैंड को कहा कि नहीं मुझे इतना पसंद आ रहा है। और उसके बाद में ना हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट ना ये पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अभी इन्होंने ना इतना छोटा कर दिया है, बहुत ही कंजस्टेड लग रही थी अंदर जगह। और यहाँ पर अभी हमने ना उसल लिए थे, मुझे ना आज उसल खाने का बड़ा मन कर रहा था। जब से हम लोनावला से आते ना तो मुझे उसल है ना बहुत पसंद आ गया था, तो इसके लिए मैंने आज वापस है ना उसल ट्राई करी। और इसी के साथ में भी हम आ गए थे यहाँ पर MM की लस्सी। यहाँ की लस्सी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और मुझे यहाँ के ना बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद थे, लेकिन अंदर है ना मुझे आज जाना मूड इतना नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैंने ना बेसन का लड्डू नहीं ली। वापस हमें एक बार मलाड विज़िट करना ही है, तो मैंने सोचा चलो जब ले लेती हूँ। और इसी के साथ में ना यहाँ पर अभी हम अंदर जा रहे हैं म्युनिसिपल मार्केट में, और इतने टाइम में भी हमें अंदर अच्छी खासी क्राउड मिली है, जो कि हम आए हुए हैं दोपहर के 2:30 बज रहा था। और हमने शाम में इसके लिए नहीं आए, हमने सोचा शाम में आएंगे, बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना गांव वगैरह जाते हैं, दिवाली वैकेशंस होती हैं, तो शॉपिंगें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें क्राउड मिलेगी। लेकिन हम अभी भी आए तो हमें भी अभी भी इतनी क्राउड मिली। और मुझे यहाँ से ना कुछ पैंट वगैरह लेनी थी, लेगिंग्स लेनी थी, तो मैंने वो ले ली। और इसके बाद में आ गए थे हम चूड़ियों के यहाँ पर, चूड़ियों की शॉप पे। तो चूड़ियाँ मैं देख रही थी, मैंने गांव जाने के टाइम में ही ना आपके साथ में मेरी शॉपिंग की वीडियो शेयर करी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ना पूरा सेट वगैरह ली थी कड़ों के साथ में। और मदनी हॉल से भी मैंने लास्ट टाइम ना बहुत सारे कड़ों के सेट ली थी, तो वो ज़्यादा ना यूज़ में आए नहीं है, मैंने बस वन टाइम यूज़ करके उसे यूँ ही रख दी थी। तो मैंने सोचा चलो अभी यहाँ पर है ना मैं सिंगल सिंगल चूड़ियाँ लेती हूँ, और कड़ों के साथ में ना मैं एडजस्ट कर लूँगी, उसे मिक्स कर लूँगी तो अच्छा लगेगा बोल के, बिकॉज़ वही सेम डिज़ाइंस है और ऑलरेडी मेरे पास घर पर रखी हुई है, तो क्यों वेस्ट ऑफ मनी करना। तो इसके लिए ना मैंने ये वेलवेट की चूड़ियाँ ना ख़राब हो गई थी मेरी, तो इसके लिए मैं इसमें ना वेलवेट की चूड़ियाँ सिंगल लेके कड़ों के साथ में मिक्स कर लूँगी। और जब मैं मिक्स करूँगी उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखेंगा, उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मेरे पास में सारे इनके पास में जितने कड़े हैं ना, सारे कड़े मेरे पास में मौजूद है हर डिज़ाइन के, तो इसके लिए मैंने सोचा नहीं खाली मैं ना चूड़ियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ पहन के ना ख़राब हो चुकी हैं। आपको तो पता ही, कांच की चूड़ियाँ लेंगे तो टूट जाती है, वेलवेट लो तो आजकल वेलवेट की चूड़ियाँ भी इतनी महंगी 50 रुपीज़ दर्जन देते हैं, और 2 से 3 बार में यूज़ में ही है ना शाइनिंग कम हो जाती है, पूरा ख़राब होने लगती है। तो इसके लिए मैंने सोचा नहीं खाली मैं ना चूड़ी ले लेती हूँ बोल के। और हस्बैंड कह रहे थे कि सेट वगैरह मुझे बता रहे थे कि तुम ले लो कोई भी तुम्हारे ड्रेस के हिसाब से, कुछ अच्छा मतलब तुम्हें लगे तो मैंने बोला नहीं अभी ड्रेस भी मैंने फ़ाइनल करी नहीं हूँ। ये मुझे पता है कि चलो हल्दी वगैरह में तो हमें नॉर्मली येलो वगैरह ही पहनना होता है। और अगर आपको लेना रहे तो आप डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर ये जो सेट वगैरह है, ये देखिए, ये मैंने ले ली थी चूड़ियाँ येलो और रानी कलर की हल्दी के लिए। और मुझे एक ड्रेस के लिए ना ब्लैक कलर की चूड़ी चाहिए थी, तो वो मैंने ले ली। और सेट वगैरह बहुत सारे थे। आपको अगर लेना रहे तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर म्यूनसिपल मार्केट के अंदर आप एंट्री करोगे ना, वहीं पर इनकी शॉप है। और पूरे सेट के प्राइस है ना 250 300 ये समथिंग है। और अगर आप पंजाबी चूड़ा वगैरह लोगे ब्राइडल का तो उसके 600 1000 के हिसाब से रेट रहते हैं, जैसे आपको पसंद आए उसके हिसाब से। और यहाँ देखिए स्टार्टिंग में शरारे वगैरह भी लगे थे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, 3000 4000 ऐसे रेंज में थे, लेकिन इतना मतलब कुछ खास लग नहीं रहा था। और यहाँ पर बच्चों की शॉप वगैरह थी कपड़ों की। और यहाँ पर है ना वेस्टर्न आउटफिट वगैरह होती है ना, वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह, वो सब लगे हुए थे इनके पास में। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ ना मुझे लड़कियों के कपड़े बहुत पसंद आए थे, मुझे लेना भी था, लेकिन है ना उनकी शॉप बंद थी, खाना खाने कुछ गए हुए थे वो लोग। और यहाँ पर पूरी साड़ियाँ वगैरह लगी थी। आप यहाँ पर म्यूनसिपल मार्केट में एंट्री करोगे ना तो ये साइड में आपको पूरे साड़ी और शरारे वगैरह की मार्केट मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पूरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ लगी हुई थी, पूरी बनारसी साड़ी थी। अभी ना ये वाली ज़्यादा आजकल चल रही है, नेट की अभी मार्केट में ज़्यादा देखने नहीं मिल रही हैं। ये पूरी जो बनारसी साड़ियाँ हैं ना, ये सारी अभी यही पूरे मार्केट की आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, आप सब जगह देखोगे आपको यही मिल जाएगी देखने के लिए। और यहाँ पर ये साइड में रहे पूरे शरारे वगैरह। और मैंने ना ये 3rd नंबर पे जो शरारा है उसका प्राइस मैंने पूछी थी इनसे, तो 5000 कुछ बता रहे थे, ये जो पर्पल कलर में था। और मुझे तो यहाँ पर है ना हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें कुछ लेना है अगर तो ले लो, लेकिन है ना मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। ये रही शलवार कमीज़ वगैरह। मुझे शरारा तो लेना नहीं था क्योंकि ना ज़ुहैब है, और ज़ुहैब को लेके ना शरारा संभालना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने सोचा नहीं, चलो मैं शरारा नहीं लूँगी, बाद में नेक्स्ट टाइम अगर कुछ और ओकेशन रहा घर में वापस किसी की शादियाँ तो तब मैं देख लूँगी। और यहाँ देखिए आगे भी बहुत सारी साड़ी वगैरह भी थी, रिजनेबल प्राइस में भी थी, हाई प्राइस की भी थी, जैसे मतलब आपका बजट हो वैसे 1800 2000 हर रेंज में यहाँ पर थी। और शरारे वगैरह भी ना आपको रिजनेबल ही थे, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं था यहाँ का, नॉर्मल जैसे अगर आपका बजट का इशू है तो आप ज़रूर यहाँ से लीजिएगा। डिज़ाइन भी आपको अच्छी मिल जाएगी और शरारा भी अच्छा रहेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए सारे शरारे वगैरह लगे हुए थे यहाँ पर भी। और पूरा मार्केट में देखिए आपको यही वाली साड़ियाँ मिलेगी, पूरे मार्केट में बनारसी साड़ियाँ लगी हुई थी, नेट वगैरह के तो बहुत कम यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए थे। और पहले ना यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह भी ना 2-3 शॉप होती थी रेडीमेड ड्रेस वगैरह की, जैसे है ना शलवार कमीज़ हो गया, गाउन वगैरह हो गया, तो वो सारी शॉप भी ना अभी बंद कर यहाँ पर है ना साड़ियाँ वगैरह शरारे की शॉप ओपन हो गई है। स्टार्टिंग में भी ना 2 शॉप थी ये ड्रेस वगैरह की, अनारकली और जैसे गाउन्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो सब शॉप थी, लेकिन वो सब अभी इन्होंने बंद करके ना शरारे और साड़ी वगैरह ही पूरी लगाए हुए हैं। ये देखिए ऊपर सारे शरारे, ये ऊपर जो भी शरारे लगे थे ना सब 2000 की रेंज के थे, जैसे साइडर वगैरह के लिए आपको लेना रहे, ब्राइडल की सिस्टर हो गई, दूल्हे की सिस्टर हो गई, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस रिजनेबल चाहिए तो वो हिसाब से यहाँ पर लगे हुए थे। और पूरा मार्केट मैंने देखी तो पूरे मार्केट में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस वगैरह भी मैंने पूछा था, तो कहीं पर भी ना मुझे प्राइस इनके हाई नहीं लगे, नॉर्मली प्राइस थे। और है ना हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, तुम एटलीस्ट देख तो लो। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं यहाँ पर इतना मतलब वो लग रहा है, ब्राइडल के हिसाब से है शरारे, लेकिन मुझे शरारा लेना नहीं था, ना मुझे साड़ी लेनी थी। और मेन आज हमें ना बच्चों के हिसाब से ही आए थे कि हमें सिर्फ बच्चों का ही लेना है, तो वही अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए आगे। और मैं जहाँ से सिटी सेंटर से लेती हूँ स्मॉल किड्स, तो वहाँ पर भी मुझे जाना था, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं मलाड से देख लूँ, उसके बाद में मैं यहाँ जाती हूँ, क्योंकि ना मेरी एक फ्रेंड है उसने ना यहाँ पर आके गई थी, तो मुझे बताया था उन्होंने कि यहाँ पर है ना बच्चों की एक शॉप खुली है, रिजनेबल प्राइस भी है और काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह भी है उनके पास में, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो पहले मैं यहीं पर देख लूँ और उसके बाद में मैं सिटी सेंटर में देख लूँगी बोल के। सिटी सेंटर तो पास में ही है, अगर कभी हस्बैंड फ्री ना रहा तो मैं भी अकेले जा सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो मलाड के लिए कैसे मुझे दूर आना है, और मलाड आने के बाद मुझे कभी कुछ और भी लेना अगर रह जाए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है। और सिटी सेंटर में क्या खाली एक ही शॉप है बच्चों की, मैं वहाँ से लेके बाद में ऑटो करके भी जा सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये शॉप न्यूली ओपन हुई थी, और यहाँ पर है ना ये सब बता रहे थे हमें डिज़ाइंस निकाल के भी, जो लड़कों के हिसाब से थी, बॉयज़ के हिसाब से पूरी बॉयज़ की शॉप है यहाँ पर। और रेगुलर के लिए ना यहाँ पर 200 वाली टी शर्ट्स थी, और नीचे है ना हाफ ट्रैक पैंट वगैरह भी 250 रुपीज़ की थी, नॉट बैड, प्राइस सही था और मटेरियल भी सही था इनका। और ये भी हमें निकाल के ना सारे डिज़ाइंस वगैरह दिखा रहे हैं। और मैंने सोचा ज़ोहिब के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा जैसे ना शेरवानी वगैरह नहीं लूँगी क्योंकि वो ना बिल्कुल नहीं पहनता। अभी रिसेंटली मैंने उसे लेकर आई थी ईद मिलाद में पिनाने के लिए कुर्ता पैजामा अजमेर से रेडीमेड जैकेट वाला, लेकिन बिल्कुल उसने नहीं पहना। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, डेनिम का जैकेट था और पैंट की जो मटेरियल थी वो भी सॉफ्ट थी, अंदर टी शर्ट भी था। तो ये कैसे मैं शादी के बाद में भी उसे नॉर्मली पहना सकती हूँ। और ये सब वो मुझे बता रहे थे तो मैंने मना ही करी कि मुझे इसमें का मत दिखाइए। इसमें सारी साइज़ वगैरह भी इनके पास में अवेलेबल थी और जैन के लिए भी मुझे देखना था तो जैन का भी मैं देख रही हूँ साथ ही साथ। और मैं यहाँ से ना सिर्फ जोहेब के हिसाब से आई थी, जैन का मैंने साइज़ नहीं लाई थी। और मुझे डाउट है कि जैन को मे बी आए या ना आए, क्योंकि है ना जैन के अक्सर करके ना यहाँ के जो ड्रेसेस मैं लेती हूँ बिल्कुल नहीं आते। मुझे जैन को ना ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है, ट्रेंडी है शॉप, वहाँ से लेती हूँ मैं मलाड में MM के अपोजिट, या फिर है ना मैं सिटी सेंटर से लेती हूँ। ये वाला ना एक थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, शादी के हिसाब से बच्चों के लिए थोड़ा ठीक लग रहा था। और क्रीम कलर का उसने ऑलरेडी पहन चुका है तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि चलो यही देखती हूँ मैं, कुछ अच्छा भी दिख रहा था तो ये मैं ना ले ली। ये मैंने फ़ाइनल कर ली, ये वाला मुझे पसंद आया। और इसी के हिसाब से ना ज़ुहैब के लिए मैं डेली वेयर के लिए भी देख रही थी टी शर्ट्स वगैरह, हाफ़ पैंट वगैरह, क्योंकि ना उसकी टी शर्ट्स वगैरह काफ़ी छोटी हो गई है तो मैं वही अभी उसको रेगुलर के लिए देख रही हूँ। बिकॉज है ना अभी तो ठंडी तो बॉम्बे में बिल्कुल नहीं चालू हुई है, क्लाइमेट इतना गर्म है, फुल स्लीव्स वगैरह तो पहनाना बच्चों को तो बेहाल ही है, इतना मतलब क्लाइमेट अभी गर्म चल रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो हाफ़ स्लीव्स ले लूँगी, हाफ अस्तीन, और ये रहेगा नीचे तो आराम से सुकून से पहन लेगा, क्योंकि ना बहुत परेशान करता है वो कपड़े पहनने में। जैन भी पहले ऐसे ही था, लेकिन अभी अभी जैन है ना थोड़ा अच्छे से पहन लेता है क्योंकि थोड़ा बड़ा भी हो गया ना, 8 साल का हो गया, समझदार है। और ज़ुहैब कैसे नहीं समझता है, उसे आप जीन्स पहना दो या कुछ और पहना दो ना तो निकाल निकाल के फेंकने लगता है। और ये वाली टी शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, कार्टून बना था, मैंने बोला चलो खुश हो जाएगा वो। और उसके बाद में और भी मुझे लेने थे लेकिन इतना मुझे नहीं लगा, जो पसंद आए वो मैंने ले लिया। और मुझे याद आया कि हल्दी के लिए भी मुझे लेना है तो हल्दी का भी मैं देख रही थी, ये वाला एक अच्छा लगा मुझे हल्दी का, जैन और ज़ुहैब के लिए। और ज़ुहैब के लिए तो ना हस्बैंड मना ही कर रहे थे कि इसमें का ले रहे हो, फिर अगर वो नहीं पहने चुभने लग जाए उसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये वाला साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लगा था तो मैंने उनसे ना एक साइज़ छोटा कहा कि शॉपकीपर से कि एक साइज़ मुझे छोटा बता दीजिएगा। तो ये वाला मुझे लगा कि जैन को आराम से आ जाएगा इजीली। और ज़ुहैब का भी मैंने सेम ऐसी ही ले ली हूँ, अब वो देखिए पहनता है कि नहीं। तो ये फाइनली मैंने जैन का ले ली थी, शादी का और हल्दी का मैंने ले ली हूँ, और ज़ुहैब के लिए रेगुलर यूज़ के लिए ली। और जैन के लिए पैंट देख रही थी तो हस्बैंड ने मना करें, भले यहाँ से मत लो बिकॉज उसे नहीं आए तो रिटर्न आने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तुमको। तो मैंने इसके लिए ना उसके लिए जीन्स वगैरह नहीं ली जैन के लिए। और ये वाला भी ना मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा दोनों भी मैं ले लूँगी तो शेरवानी टाइप हो जाएगा। एक मुझे है ना जैन के लिए थोड़ा हटके चाहिए वलीमे के हिसाब से, बिकॉज़ है ना शादी में तो शेरवानी पहन लेगा और वलीमे के लिए मुझे थोड़ा उसे ना जैसे नॉर्मल चाहिए, कोट पैंट हो गया या फिर जैसे जैकेट वगैरह हो गई, ब्लेज़र हो गया। तो मैंने ये वाला मना कर दी, मैं बोली नहीं ये वाला रहने ही दीजिए। और प्राइस भी इनके रिजनेबल ही थे, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। और ये मुझे एक है ना और पसंद आ गया था तो ये भी मैंने एक ले ली, ये मुझे ना गिफ्ट करना था किसी को तो वो ये अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड को ये वाला ज़्यादा पसंद आ गया था तो इसके लिए मैंने ये वाला ली और वो वाला फिर मना कर दी थी। तो ये फाइनली हमने ये वाला भी एक ले चुके हैं। और इनके जो भी प्राइस थे ना तो 1500 से स्टार्ट थे, छोटे बच्चों की जैकेट्स वगैरह 1500 से इन्होंने स्टार्टिंग रखी थी और शेरवानी वगैरह जो थी वो 2000 से स्टार्ट थी। और जैसे साइज़ बढ़ेगी वैसे प्राइस इनके बढ़ जाएंगे, और डिज़ाइंस में अगर मटेरियल जैसे हाई है थोड़ा तो प्राइस और बढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग रेट में आपको बता रही हूँ इनका। और ये आपको है ना आप म्यूनसिपल में मार्केट में आओगे तो लास्ट शॉप है इनकी। और इसी के साथ में मुझे ना बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी, चक्कर आ रही थी, तो हमने यहाँ पर है ना गन्ना जूस पीने के लिए बैठ गए थे। और इसी के साथ में मुझे ना मेरी किचन के लिए ना किचन विंडो के लिए कर्टन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर है ना भैया अवेलेबल ही नहीं थे, शॉप बंद थी इनकी। तो फिर हम निकल गए यहाँ से। और काफ़ी सारी यहाँ पे भी ना शॉप ओपन थी, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, पर्स वगैरह हो गए और मेकअप के सामान हो गए, वो सब भी यहाँ पर था। और ये भी हम दूसरे साइड से एंट्री कर रहे हैं, ये भी म्यूनसिपल मार्केट ही है। आप वहाँ से एंट्री करोगे तो 2 गली आती है, एक शरारे के साइड में निकलती है और एक ये साइड में आती है। तो ये वाले साइड में हम नहीं गए थे, यहाँ पर अभी हम रिटर्न वापस से टर्न लेके वहाँ से वो शॉप से अंदर जा रहे हैं। बिकॉज़ है ना मैंने सोचा चलो बच्चों का एक और देख लेती हूँ, मैं अक्सर जहाँ से लेती हूँ ना वो शॉप भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ। तो अभी हम वही अंदर जा रहे थे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ना आगे जाने के बाद में क्राउड थी, और अभी तकरीबन है ना 4:30 बज रहे थे, 4:30-5 बज रहे थे। और यहाँ पर है ना छोटे बच्चों के फ्रॉक वगैरह अच्छे लगे थे, लेकिन है ना आजकल है ना बच्चे ऐसे पहनते ही नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें ना एकदम सॉफ्ट मटेरियल चाहिए पहनने के लिए। इवन खुद हमें भी है ना आजकल ऐसे मटेरियल नहीं जमते हैं, बिकॉज़ इतनी गर्मी रहती है और मटेरियल इतने हार्श होते हैं ना कि नहीं अच्छा लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। और ये सारे देखिए उन्होंने निकाल के हमें बताए थे बहुत सारे, लेकिन मुझे है ना ज़ुहैब के लिए वाइट कलर में चाहिए था, ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था जैकेट का, तो मैंने इसके लिए उनसे कहा कि मुझे वाइट में बता दीजिए। और जैन और ज़ुहैब का मुझे दोनों को ना सेम चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना नज़दीक से, और इसके मटेरियल भी इतने अच्छे थे, कॉस्टली था लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, यहाँ पे आप आओगे ना तो इनके रेट है ना हाई रहते हैं, इनके स्टार्टिंग प्राइस है ना ये वाले ड्रेसेस सबकी 2000 के अबव स्टार्ट होती हैं, और जो वहाँ पे मैंने ये आपको बताई तो वो 1500 से स्टार्ट होती है। जो मैंने ज़ुहैब का आपको दिखाई ना जैकेट डेनिम में, वो 1500 का था, और जो उसके बाद में मैंने आपको दूसरा दिखाई वो 1700 था। जो मैंने एक और बताई थी ना कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है, और मैंने जो जैन की शेरवानी ली तो वो मुझे 2800 की मिली। और ये वाला ना मैंने ज़ुहैब के लिए बर्थडे के लिए ले ली थी, ये अच्छा लग रहा था मुझे, ये 2100 का मिला मुझे ये भी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। इसका भी मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा लग रहा था, ये आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा चलो अच्छा लगेगा उसके ऊपर। और उसमें ना इन्होंने मुझे कलर्स वगैरह भी बहुत बताने थे, तो ज़ुहैब के लिए मैंने 2 ड्रेस ले ली, एक है ना वलीमे में पहनाने के लिए और एक है ना इसमें ली मैंने। अब देखिए ये मैं वलीमे में पहनाऊँ या शादी में भी। और जैन के लिए भी हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम देख लो, अब मुझे डाउट हो रहा था कि उसकी साइज़ आए या ना आए, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर साइज़ थोड़ी दिख रही है बड़ी, तो शायद आ जाएगी उसे। और जैन के लिए मैंने ये फ़ाइनल करी। अंदर इसमें भी ना टी शर्ट थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में ना मुझे चना चोर गर्म खाने का मूड हो रहा था, तो वो हमने खा लिए। और यहाँ से भी शॉपिंग कंप्लीट होकर अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ में। और यहाँ भी अंदर है ना 2-3 शॉप है शरारे वगैरह की, जैसे आप अंदर आओगे ना तो यहाँ भी है। और यहाँ पर भी ना प्राइस हमने पूछा था, तो यही 400, 500, 600 जैसे आपको लेना रहे। और यहाँ मैं ना 2-3 टी शर्ट मुझे अच्छी लगी थी, रेगुलर के लिए 200 ईच थी, पर टी शर्ट 200 का प्राइस था, तो मैंने बोला चलो डेली वेयर के लिए अच्छी रहेगी। तो ज़ुहैब के लिए भी मैंने ले ली और जैन के लिए भी मैंने ले ली। ज़ुहैब के लिए तो मैंने ज़्यादा ली, जैन के लिए खैर कम ली, क्योंकि जैन की साइज़ में ना इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने 2 जैन के लिए ले ली, एक ये अच्छी लगी और एक और मैंने ले ली थी जैन के लिए। और ज़ुहैब के लिए मैंने 5 टी शर्ट ली। आज है ना ज़ुहैब की शॉपिंग ज़्यादा हो गई है और जैन की कम है। ये वाली भी वो बता रहे थे, लेकिन मुझे कलर नहीं पसंद आया, तो इसके लिए ये मुझे क्रीम अच्छी लग रही थी और एक ये ग्रीन कलर की अच्छी लगी थी। तो ये मैंने दोनों टी शर्ट ले ली जैन के लिए, और ज़ुहैब की भी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। और इसी के साथ में भी हम निकल रहे हैं बाहर। काफ़ी ज़्यादा ना क्राउड होना स्टार्ट हो गई थी, अंदर बहुत ज़्यादा रश थी, पूरी पब्लिक है ना ऐसे ढकेल ढकेल के जा रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और मुझे सैंडल लेना था मेरे लिए, लेकिन है ना ड्रेस अभी मैंने फ़ाइनल नहीं किया है, तो इसके लिए मैंने बोला सैंडल वगैरह सब मैं बाद में लूँगी ड्रेस के हिसाब से। अभी मुझे डेली वेयर के लिए ना डॉक्टर चप्पल चाहिए थी, क्योंकि पैर में ना मेरे बहुत दर्द दे रहा था, तो इसके लिए मैंने बोला कंफर्टेबल भी लगेगी अच्छी भी लगेगी। तो इसके लिए यहाँ भी मैंने मेरे लिए एक डॉक्टर सैंडल ले ली थी, क्योंकि अभी कंटिन्यू रनिंग करना है शॉपिंग वगैरह के लिए। और हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।